मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेटलॉइड्स। नॉन मेटल्स, मेटल्स हमने कंप्लीट कर लिया, उनकी प्रॉपर्टीज कर ली, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की शो करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। सो मेटलॉइड्स की डेफिनेशन क्या हुई? मेटलॉइड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, विच शो बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज non-metals, right? कुछ substances आपने ऐसे पढ़े जो क्या है? metals है, जिनके अंदर metals की properties है। कुछ substances आपने ऐसे पढ़े जिनके अंदर non-metals की properties है। हमने उनको उनकी properties के base पे differentiate कर दिया, but हमारे पास कुछ ऐसे elements है which shows both the properties of metals as well as non-metals. ये दोनों की जो properties show कर रहे हैं, they are called metalloids. और metalloids का एक और नाम भी है semi-metals. metalloids को हम क्या कहते हैं? semi-metals. इसकी मैं example लिखने जा रही हूँ कि यहाँ पर हमारे पास examples हैं boron. उसके बाद है सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। ये हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज है कुछ, और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी है। सो दे आर कॉल्ड सेमी मेटल्स और दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, राइट? तो मेटलॉइड्स टॉपिक के बाद आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। पहले हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मिक्सचर्स क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में, राइट? वन बाय वन स्टार्ट करते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर जो है, मिक्सचर वो सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से फॉर्म्ड हुआ हुआ है, बट दीज एलिमेंट्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड। मिक्सचर इज ए सब्सटेंस इन विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, विच इज मेड बाय वन और मोर देन वन एलिमेंट्स, बट दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। बच्चे, केमिकली कंबाइंड नहीं होने का मतलब है वो फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड नहीं है। चैप्टर वन में आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन रीड करा, स्टडी करा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट मास, ये आपको क्या बताते हैं कि हम एलिमेंट को जब कंबाइन करते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में तो हमारे पास एक कंपाउंड आ जाता है, लेकिन जब हम उनको केमिकली बाउंड नहीं करते तो हमारे पास क्या आते हैं? मिक्सचर्स, राइट? तो मिक्सचर क्या हुआ? मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड, तो मोर इंपॉर्टेंट थिंग है नॉट केमिकली कंबाइंड। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस डेफिनेशन? They are not chemically combined.
मतलब एक ऐसा सब्सटेंस हमारे पास है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड हो सकते हैं, बट वो केमिकली कंबाइंड नहीं है। यू हैव ए वेरी गुड एग्जाम्पल हियर, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी जो आपने हमेशा से सुनी हुई है, दैट एग्जाम्पल इज ऑफ एयर। आप हमेशा एयर को क्या कहते हो, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कि उसके अंदर ऑक्सीजन है, उसके अंदर नाइट्रोजन है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, अदर गैसेस भी, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, बट हम उसको मिक्सचर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो केमिकली कंबाइंड नहीं है। एयर में, एयर के अंदर अगर ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, एयर के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, वो केमिकली कंबाइंड नहीं है, वो केमिकली कंबाइंड क्या है, नहीं है, तो इसलिए हम एयर को क्या कह रहे हैं, मिक्सचर। अगर मैं आपको ये एक और एग्जांपल दूं, आपने सबने सॉल्यूशंस का नाम सुना होगा, जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं मिल्क सॉल्यूशन। मिल्क सॉल्यूशन की अगर आप बात करें तो मिल्क सॉल्यूशन के अंदर क्या है, मिल्क सॉल्यूशन के अंदर आपने वो अलग अलग पता हो तो आपको प्रोटीन है, उसके अंदर वाटर है, उसके अंदर मिनरल्स है, उसके अंदर विटामिन्स हैं, क्योंकि हम मिल्क को क्या कहते हैं, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। मिल्क को कंप्लीट फूड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या है, प्रोटीन्स है, उसके अंदर वाटर है, देन उसके अंदर शुगर है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, तो मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, बट मिल्क इज ए मिक्सचर। मिल्क क्या है, मिक्सचर है। तो जितने भी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, मिल्क सॉल्यूशन है और शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, एयर है, ये सारे किसकी एग्जांपल्स है, मिक्सचर्स। नाउ व्हाट इज कंपाउंड, इसका अगर मैं कंपैरिजन करूं मिक्सचर का कंपाउंड से कंपैरिजन करूं तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या है। अगर हम कंपाउंड को समझ लेंगे फिर हम मिक्सचर्स की टाइप्स करेंगे। कंपाउंड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ, कंपाउंड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली, कंबाइंड केमिकली। आ गया इंपॉर्टेंट वर्ड समझ, जिनको मैंने अंडरलाइन भी करा है कि वो केमिकली कंबाइंड है, यानी कि वो जिन एलिमेंट्स से बनी हुई है वो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं, लॉस कर, उन एलिमेंट्स ने अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस कर दिया और एक नया सब्सटेंस बना दिया जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एंटायरली डिफरेंट है। जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की लॉस हो गई और नई प्रॉपर्टीज को हुई, क्योंकि वो आपस में केमिकली क्या कर रहे, कंबाइन कर। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे कंपाउंड्स का नाम सुना है, H2O, व्हाट इज H2O, H2O इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, देन CO2, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है। H2O क्या है, कंपाउंड है। चैप्टर 1 केमिस्ट्री का जिसमें आपने टॉपिक पढ़ा था, जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन से कंबाइन होते हैं, वहां पर आपने दो लॉस पढ़े थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट मास, और वहां से आपने बहुत सारी उसको समझते हुए एग्जांपल्स करी थी। तो अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि वाटर क्या है, वाटर इज ए कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड, देन आई एम राइटिंग NaCl, व्हाट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, कंपाउंड है। ये क्यों कंपाउंड है, यहाँ पर आप फिक्स प्रोपोर्शन देख रहे हो कि हमने 1
मॉलिक्यूल लिया सोडियम का और वन लिया क्लोरीन का. यहाँ पर हमने कार्बन का वन लिया और ऑक्सीजन के कितने लिए, टू लिए. अगर हम इस प्रोपोर्शन को चेंज कर देंगे, सपोज मैंने वन लिया कार्बन का मॉलिक्यूल और वन लिया मैंने ऑक्सीजन का, यहाँ पर मैंने कंपोजिशन क्या कर दी, चेंज कर दी. जब मैंने यहाँ पर कंपोजिशन चेंज कर दी तो व्हाट विल हैपन, कंपाउंड ही चेंज हो गया. यहाँ पर जब मैंने कंपोजिशन चेंज कर दी, उनका प्रोपोर्शन चेंज कर दिया, एलिमेंट्स वही है, कार्बन है ऑक्सीजन है, सेम एलिमेंट के साथ जब मैंने उनकी रेशियो चेंज कर दी, उनका प्रोपोर्शन चेंज कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, कंपाउंड चेंज हो गया. क्योंकि कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली बाय मास. बाय मास, कंबाइंड केमिकली बाय मास. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकली कंबाइंड बाय मास होते हैं, दैट सब्सटेंसेस आर पार्ट द कंपाउंड्स. राइट, क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस. मिक्सचर में हमने क्या वर्ड स्टडी किया कि दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड बाय मास, वो केमिकली कंबाइंड नहीं है. और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, वो भी टू और मोर एलिमेंट्स के बने हैं, ये भी टू और मोर एलिमेंट्स के बने हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर, वहां पर जो है उनकी केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी कि केमिकली कंबाइंड नहीं है, मतलब हम उन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते. मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी कि हम उन्हें फिजिकल मेथड से कैसे सेपरेट कर सकते हैं. राइट, हम मिक्सचर्स को कैसे केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. राइट, सपोज आपने एक चाइना डिश ली, उसके अंदर आपने क्या डाली, आयरन फिलिंग्स, यानी आपने इसके अंदर आयरन फिलिंग्स, ठीक है. फिर आपने इसके अंदर क्या ऐड किया, सल्फर पाउडर. क्या आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, सल्फर पाउडर. अब आप इन दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं, राइट, किस मेथड से सेपरेट करोगे. आप बहुत अच्छे से एक प्रॉपर्टी पता है कि जो सल्फर पाउडर की सपोज आपको प्रॉपर्टी नहीं पता, बट आयरन फिलिंग या आयरन की प्रॉपर्टी से आप वेल नोन, आप आयरन की प्रॉपर्टी से वेल नोन हो. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन और आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स की प्रॉपर्टी क्या है, आयरन फिलिंग्स की प्रॉपर्टी है कि जब हम इसके पास मैग्नेट लेकर जाते हैं तो ये मैग्नेट की तरफ क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है. तो क्या करोगे आप एक बार मैग्नेट लोगे. क्या लिया आपने, बार मैग्नेट. आप इस बार मैग्नेट को इस मिक्सचर के पास लेकर जाओगे, आप इस बार मैग्नेट को इस मिक्सचर के पास लेकर जाओगे. किस चीज का मिक्सचर है ये, अगेन आई एम टेलिंग यू, आयरन फिलिंग्स और सेकंड मैंने बोला आपको सल्फर पाउडर. आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर के मिक्सचर के पास आप क्या लेकर गए, बार मैग्नेट लेकर गए. जब आप बार मैग्नेट लेकर गए, व्हाट विल हैपन, जितना भी आयरन है या आयरन फिलिंग्स है, आयरन पाउडर है, वो बार मैग्नेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा. जब वो बार मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और आप उसे क्या कर लोगे, सेपरेट, बार मैग्नेट के साथ वो अटैच हो गया, राइट. लेकिन सल्फर पाउडर इसकी तरफ अटैच नहीं हुआ, बिकॉज इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ आयरन. आपने इसको क्या कर लिया, इनको क्या कर लिया, सेपरेट. आप फिर से लेकर गए, आपने फिर इसको सेपरेट कर लिया, फिर से लेकर गए, आपने फिर इसको सेपरेट कर लिया. और बार बार ले जाने के बाद आप फिर से लेकर गए मैग्नेट को इस मिक्सचर के पास, और व्हाट विल हैपन कि इसके पास आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट नहीं हो रही. इसका मतलब क्या है, नाउ देयर इज नो आयरन फिलिंग इन दिस मिक्सचर. अब इसके अंदर जितना भी आयरन था वो क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है. अब इसके अंदर और आयरन नहीं, इसका मतलब इसके अंदर अब क्या है, इसका मतलब इसके अंदर सल्फर पाउडर है. इसका मतलब हमने फिजिकल मेथड से, हमने कोई हीट नहीं दिया, हमने कोई टेम्परेचर नहीं दिया, हमने कोई लाइट प्रोवाइड नहीं करी, हमने फिजिकल मेथड, यानी कि हम बार मैग्नेट को बस
हमने फिजिकल मेथड से सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग के मिक्सचर को क्या कर लिया, सेपरेट। जब इसके पास और मैग्नेट अट्रैक्ट में मैग्नेट के साथ और आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट नहीं होंगी, व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब इस चाइना डिश के अंदर और आयरन फिलिंग्स नहीं है। इसका मतलब कि हमने एक फिजिकल मेथड से आयरन फिलिंग को सल्फर पाउडर से सेपरेट कर लिया। हमने एक फिजिकल मेथड से आयरन को, आयरन फिलिंग्स को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। समझ गए? तो ये आपका कौन सा था? फिजिकल मेथड, जिससे आपने इस मिक्सचर को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। क्यों कर लिया सेपरेट इसको? बिकॉज दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड बाय मास। वो केमिकली कंबाइंड नहीं थे और वो फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकते थे, राइट? तो इस एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड ए कंपाउंड। लेकिन हम एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन करेंगे जिससे हमें एक क्वेश्चन हमारा जो आता होता है, व्हाट इज द 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर इस टॉपिक से, कि मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर क्या डिफरेंसेस है। ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन एज फॉर एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो 3 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो फर्स्ट डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, और कंपाउंड्स 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, बट दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड बाय मास। दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड बाय मास। और दूसरी तरफ बहुत अच्छे से पता है, अभी करा है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, केमिकली, बाकी तो लिखना ही लिखना है जो ऊपर लिखा हो, केमिकली कंबाइंड बाय मास, राइट। कंपाउंड्स जो है केमिकली कंबाइंड बाय मास है और मिक्सचर जो है केमिकली कंबाइंड बाय मास नहीं है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट बहुत आसान, अभी अभी हमने समझा है कि इन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। इट मींस दे आर सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। हमें रट्टा नहीं लगाना, दे आर और दे कैन, कैन लिखेंगे हम यहां पर, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, राइट। अभी अभी मैंने आपको आयरन और सल्फर पाउडर की एग्जांपल करके बता दी कि आयरन और सल्फर पाउडर क्या है, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर हो सकते हैं। कैसे सेपरेट किया, फिजिकल मेथड हमने कौन सा यूज किया, बार मैग्नेट यूज किया, तो बार मैग्नेट की हेल्प से हमने उन दोनों को क्या कर लिया, सेपरेट। तो कंपाउंड्स क्या हुए, जो केमिकली कंबाइंड है कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, राइट। वो केमिकली कंबाइंड नहीं है, वो केमिकली कंबाइंड है इसलिए उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। और अभी मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, जब मैं अभी आपको दोनों का, दोनों के बारे में बता रही थी, तो मैंने बोला था कि हमने जब बार मैग्नेट उसके पास लेकर गए तो ना हमने उसे कोई हीट दी, ना हमने उसे कोई लाइट दी, राइट। और हीट और लाइट क्या है, हीट अगर हम देते हैं या हम अगर लाइट देते हैं तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उस मिक्सचर को, हम उस सब्सटेंस को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी। हीट क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपने अभी अभी समझा कि मिक्सचर के अंदर ना हमने हीट दी ना हमने लाइट दी, तो हमने उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी। तो मिक्सचर के अंदर या फिजिकल मेथड्स के अंदर ना तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ना ही एनर्जी रिलीज होती है, राइट। ना तो हम वो प्रोवाइड करने का मतलब यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्ब, ना तो हीट एनर्जी किसी भी फॉर्म में, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, आप कोई भी एनर्जी ले लो, तो ना तो हमें वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई ना ही एनर्जी रिलीज हुई।
तो यहां से हमारा डिफरेंस का पॉइंट निकला है, क्या निकला हमारा डिफरेंस का पॉइंट, हमारा डिफरेंस का पॉइंट निकला कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज नॉट गिवन आउट और एब्सॉर्ब, ना तो एनर्जी एब्सॉर्ब हुई और ना ही गिवन आउट हुई, ठीक है, ना ही एनर्जी हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में क्या हुई, एब्सॉर्ब हुई और ना ही क्या हुई, गिवन आउट हुई। बट जब हम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं कि या तो ये जब प्रोसेस होगी केमिकल प्रोसेस होगी तो या तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी और या एनर्जी क्या होगी, रिलीज, एब्सॉर्ब और रिलीज। बेटा जो कंपाउंड्स और मिक्सचर है, ये तीन वर्ड्स में चैप्टर की बात अगर मैं करूं, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स, हम इसको सिक्स क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सेवंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में पहुंचने तक भी बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये कंपाउंड है या मिक्सचर है। इसका कारण क्या है कि हम उसको जहां पढ़ते हैं वही छोड़ देते हैं, कि क्लास चेंज तो पढ़ाई चेंज, तो पिछला हमने छोड़ दिया। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि अगर आपने कोई टॉपिक सिक्स क्लास में स्टडी करा तो उसका रिलेशन सेवंथ क्लास से, सेवंथ में स्टडी करा उसका रिलेशन एट्थ क्लास से, तो यहाँ पर जो आप स्टडी करोगे नेक्स्ट क्लास में, एट्थ में करा तो नाइन्थ में, नाइन्थ में करोगे तो टेंथ में, तो हमने अपने बेसिक थिंग्स को बार बार रिमाइंड करना है, हमने उन्हें वही नहीं छोड़ देना। अब देखो मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट्स आप लोगों ने एट्थ में पढ़ा और आज आप नाइन्थ में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन नाइन्थ में उसी बात को आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं। सो देयर इज अ नीड टू कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक, क्योंकि आपके अगला जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो किसके ऊपर बेस है, कि हम इनके सेपरेशन के मेथड्स को स्टडी करना, कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स बाय व्हिच जो सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइंड हैं हम उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उनके लिए क्या मेथड्स यूज करते हैं हम। जितना भी बाकी का चैप्टर है वो सारा का सारा इसी के ऊपर बेस्ड है। आपके पास सिलेबस के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर करवा रही हूँ कि ध्यान से समझ लो इसको, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंसेस मैंने बताए कि दे आर नॉट, दे मिक्सचर जो है दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड बाय मास, कंपाउंड्स दे आर केमिकली कंबाइंड बाय मास, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, एनर्जी इज नॉट एब्सॉर्ब, नॉट गिवन आउट इन द मिक्सचर्स, मिक्सचर के केस में ना तो हमने एनर्जी दी है और ना एनर्जी रिलीज हुई है, और कंपाउंड्स के केस में क्या है, एनर्जी या तो एब्सॉर्ब होगी या क्या होगी, रिलीज होगी। आई मेरी बात समझ, तो यहां से आपको मिक्सचर और कंपाउंड का टॉपिक क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर, अभी अभी हमने एक एक्टिविटी करी जिसके अंदर हमने क्या लिया था, जिसके अंदर हमने चाइना डिश और उसके अंदर हमने क्या ली थी, आयरन फिलिंग्स, राइट, क्या ली थी हमने, आयरन फिलिंग्स, और साथ में क्या था हमारे पास, सल्फर पाउडर। इसी एक्टिविटी को मैं कंपैरिजन में आप बता रही हूँ, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि कंपाउंड्स क्या है, मिक्सचर क्या है, तो इसी एक्टिविटीज को मैं आपको, इसी एक्टिविटी को मैं कंपाउंड की फॉर्म में बता दू, ठीक है, कि अभी हमने किस फॉर्म में करी थी, मिक्सचर की फॉर्म में, अब हम इसको क्या करेंगे, कंपाउंड की फॉर्म में करेंगे। हमने क्या लिया, हमने लिया आयरन फिलिंग्स और फिर हमने क्या लिया, सल्फर। अब हमें पता है कि अगर हम इसके अंदर वाटर मिक्स करेंगे और इन दोनों को शेक करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे, तो ये इसके अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। हमने इफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड इन द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर, आयरन पार्ट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म,
जब हमने इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो आयरन जो फिलिंग है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी और सल्फर रिमेन्स अनचेंज्ड। सल्फर क्या है, अनचेंज्ड रह जाएगा। फिर से बोल रही हूँ कि जो आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर हमने दिया, अगर हम इसके अंदर इसी प्रोसेस के अंदर हम क्या करें कि इसको डिसॉल्व कर दें, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड कर दिया इस मिक्सचर के अंदर आयरन फिलिंग और सल्फर के अंदर, आयरन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन क्या है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा और जो सल्फर है वो क्या रहेगी, रिमेन्स क्या रहेगी, अनचेंज। तो मिक्सचर में आयरन और सल्फर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन, मिक्सचर में यहाँ पर उसने आयरन में अपनी प्रॉपर्टी शो कर दी और सल्फर जो है वो रिमेन अनचेंज कर, राइट, क्लियर हो गया आपको ये बात। अब हम इसको, इस मिक्सचर को, इसको हम डिफरेंट मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। देखो हमारे पास बेटा फिजिकल मेथड्स कौन कौन से, फिजिकल मेथड है फिल्ट्रेशन। आपने छोटी क्लासेस में, अब जब मैं कह रही हूँ कि इस चैप्टर में हमने डिफरेंट मेथड्स स्टडी करने, बेटा आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड जो है वो भी एक फिजिकल मेथड है। आपने क्या किया, सपोज आपने एक वाटर लिया, उस वाटर के अंदर आपने चॉक पाउडर मिक्स कर दिया। आपको पता है बहुत अच्छे से कि जो चॉक पाउडर है वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, राइट, आपने उसको शेक किया। लेकिन अब आप चाहते हो कि जो चॉक पाउडर है वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो आप क्या करोगे, फिजिकल मेथड यूज करोगे। यहाँ पर आपको कोई हीट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कोई लाइट की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली चॉक पाउडर का यहाँ पर एक फनल होते, राइट, उस फनल, ये है आपकी फनल, उसके नीचे आपने बीकर पुट करा और बीकर पुट करा और यहाँ पर आपने क्या पोर किया, यहाँ पर आपने पोर किया चॉक पाउडर जो किसके अंदर मिक्स है, इन वॉटर, राइट। यहाँ पर आपने क्या रखा, फिल्टर पेपर, आप सबने बहुत अच्छे से फिल्टर पेपर केमिस्ट्री लैब में देखा हुआ है। जब आपने इसके अंदर ऐड किया ये चॉक पाउडर और वाटर का सोल्यूशन, तो क्या है, चॉक पाउडर यही रह जाएगा, चॉक पाउडर क्या है, यही रह जाएगा और वाटर इस बीकर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, वाटर इस बीकर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फिल्ट्रेशन मेथड से चॉक पाउडर और वाटर के सोल्यूशन को सेपरेट कर लिया, राइट। तो these are the physical methods. जैसे मैंने तुम्हें आयरन फिलिंग की बात बताई, सल्फर की बात बताई, यहाँ चॉक पाउडर की बात बताई, तो उसको हमने बार मैग्नेट से सेपरेट किया, ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड से चॉक पाउडर की बात करी, तो ये सारे हमारे क्या है, फिजिकल मेथड्स। अगर हमें एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, मिक्सचर्स क्या है, इनके बारे में पता चल गया, तो हमने इनको अच्छे से स्टडी कर लिया, इनको डिफरेंशिएट कर दिया, तो हम इन मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। हमने कोई भी मेथड बच्चे यूज करना है, सेपरेशन मेथड्स, नेक्स्ट आपका लेक्चर सेपरेशन मेथड्स के बेस पे ही है। हमने कोई भी मेथड यूज करना है, यूज करने से पहले हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमने नोट करनी है, हमारे पास ये सोचना है हमने कि हमारे पास क्या क्या सब्सटेंस है, हम किसको सेपरेट करने जा रहे हैं और वो सेपरेट करने के लिए हम किसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस में। जैसे मैंने अभी अभी बात करी आयरन और सल्फर पाउडर की, हमने उसको किस मेथड से सेपरेट किया, मैग्नेट के मेथड से। क्यों हमने मैग्नेट यूज किया, क्योंकि हमारे माइंड में एकदम से प्रॉपर्टी आई किसकी, कि आयरन के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, आयरन फिलिंग्स को या आयरन पीसेस को या आयरन को, और हमने उस प्रॉपर्टी के बेस पे उसको सेपरेट कर लिया।
अगर मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूं, आप लीजिए, हम बार बार आयरन और सल्फर की एग्जांपल नहीं लेते, हम ऐसी एग्जांपल लेते हैं जो दोनों चीजें आप वेल नोन हो, जिन दोनों को आपने देखा हुआ है। सपोज आपने आयरन फिलिंग्स ली और आपने सैंड ली, सैंड, ठीक है, सैंड आप सबको पता है, रेत होती है सैंड, आपने देखी हुई है अपने आसपास, आप हर वक्त सैंड को देखते हो, और आयरन फिलिंग्स भी आपने देखी हुई है, आयरन पाउडर यानी कि आपने देखा हुआ है। तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रही हूँ उन दो सब्सटेंसेस की जो आप रोज अपने आसपास देखते हो, राइट, जब आपके पास आयरन फिलिंग और सैंड का मिक्सचर है, ठीक है, तब भी आप अपने माइंड में उसको सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, कौन सा, बार मैग्नेट का मैग्नेट यूज करोगे, और आप क्या करोगे, आपको अच्छे से पता है कि जो आयरन है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन जो सैंड है वो आयरन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। तो ये बात आपने कहां से इमेजिन करी, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे आपने उनकी प्रॉपर्टीज को माइंड में लेकर आए, और माइंड में लेकर आने से आपको पता चल गया कि हाउ वी सेपरेट दीज टू सब्सटेंसेस बाय द फिजिकल मेथड्स, राइट। तो आज हमने मेन टॉपिक क्या पढ़ा, व्हाट आर मिक्सचर्स एंड व्हाट आर कंपाउंड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेशन मेथड्स करेंगे, लेकिन सेपरेशन मेथड से पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा अभी रहता है, वो हम करेंगे, दैट इज द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स करने के बाद देन वी मूव टुवर्ड्स द सेपरेशन मेथड्स। सो व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुडे, आज आपका काम क्या है, आज आपका काम है कि आपने ये चैप्टर स्टार्टिंग से, शुरू से, देखो रोज हम जो होमवर्क भेजते हैं वो तो आपको करना ही करना है, बट इट इज अंडरस्टूड कि आपको पिछला भी साथ में रिवाइज करना है, यानी कि ये चैप्टर जहां से स्टार्ट हुआ है टिल आपने कहां तक इसको रिवाइज करना है, आज मिक्सचर और कंपाउंड्स, राइट, क्लियर हो गया आप सबको। आकाश सर,